तो उल्टे उन्हीं पर लाठीचार्ज है। और लाठीचार्ज ऐसा कि दौड़ा दौड़ा के मांग रहे, सैकड़ों छात्र हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री यही आग्रह करेंगे ना कि 9 लाख अभ्यर्थी एक पेपर का परीक्षा प्रश्न आउट हो गया। आप बताइए, जब चोर चोरी करने जाता है घर में, किसी घर में, तो एक कमरा का सामान चोरी कर लेता है, बाद बाकी छोड़ देता है क्या? 4 जनवरी को BSSC के छात्र जो है लगातार लाठियों की मार से लहलुहान हो गए, और उसके बाद जो देखा जाए जिस तरीके से पेपर लीक का मामला अभी भी संदिग्ध चल रहा है, और ऐसे में नीतीश कुमार कहते हैं कि लाठी चार्ज कहाँ हुआ है, और बात आती है कि ऐसे में गिरोह जो हैं वो पकड़ा गए हैं, लेकिन गिरोह के जो सरगना हैं और बड़े माफिया हैं वो कब तक नाम आएगा, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हम जुड़ेंगे BSSC के तमाम स्टूडेंट्स हैं, छात्र नेता सौरभ भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। नीतीश कुमार सीधा बोलते हैं कि लाठीचार्ज कहाँ हुआ है। देखिए, हो समय मुख्यमंत्री जी को उसे पता नहीं हो, तो उनको तो पता हो गया होगा। पटना में इस कड़कड़ाती ठंड में छात्रों पर, निहत्ते छात्रों पर जो अपनी मांगों को लेकर राजा के दरबार में याचक के रूप में गए थे कि आखिर न्याय कीजिए, आखिर न्याय की गुहार किससे लगाई, आप राज्य के मुखिया है, आप सर्वे सर्वा है, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है, एक विधायक है गोपाल मंडल, खुद एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, आप उनका रिकॉर्ड खंगाल कर देख लीजिएगा, उनका बेटा हाल में ही गिरफ्तार हुआ है किसी चीज़ को लेकर। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी आखिर जो भी हो, लेकिन छात्रों के साथ अगर न्याय कोई करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। गोपाल मंडल जो कहते हैं कि सब चलते रहता है, तो क्या है? अरे, तो आप गोपाल मंडल का इतिहास देखिए ना जी, राजनीतिक इतिहास ही देखिए ना, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है ना, आप उसको इतिहास उठा कर देख लीजिए, छात्रों के साथ क्या हुआ नहीं उनको खुद पता नहीं है ना। आप छात्र जो दिन रात यहाँ तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उनके साथ वो न्याय की गुहार, आपको नौकरी मांगने नहीं गए थे, वो मांगने गए थे कि आखिर इसके लिए एक न्यायिक जांच कराइए, और जो लोग अपराधी है, जिसने पेपर लीक किया है, उसकी आप जांच कीजिए। तो उल्टे उन्हीं पर लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज ऐसा कि दौड़ा दौड़ा के मांग रहे, सैकड़ों छात्र हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री यही आग्रह करेंगे ना कि 9 लाख अभ्यर्थी एक पेपर का परीक्षा प्रश्न आउट हो गया। आप बताइए, जब चोर चोरी करने जाता है घर में, किसी घर में, तो एक कमरा का सामान चोरी कर लेता है, बाद बाकी छोड़ देता है। निश्चित रूप से तीनों पालियों के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ उनके माँ बाप के सपने को कुचलने का प्रयास कोई अगर अपराधी कोई एक शिक्षा माफिया कर रहा है, वो खत्म कीजिए, और तीनों पालियों की जो शिफ्ट है परीक्षा उसको रद्द कीजिए, आप फिर से परीक्षा लीजिए। जब छात्र पर लाठी अटैक किया गया, उससे पहले ही लॉ एंड ऑर्डर में खान सर एक है, वो कह रहे थे कि संख्या बल बहुत ज्यादा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही अटैक कर देना है, क्या बोलिए? देखिए, एक बात है ना कि आप छात्रों के जब आप प्रोटेस्ट जब निकला, तो आप कहीं भी एक बताइए, किसी भी यात्रा के दौरान, एक पैदल मार्च के दौरान, कहीं यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न हुई, जबरन किसी दुकान को बंद कराया गया, कहीं कागज का एक टुकड़ा तक फेंका गया, कहीं आगजनी हुई, तो ये सब बेकार की बयान है कि आप एक वीडियो आप निकाल के दिखाइए, कोई चैनल कोई दिखाए कि छात्रों ने कहीं कोई नुकसान पहुंचाया हो। अरे, लाठीचार्ज कराया छात्रों पर, तो हर पार्टी की सरकार में लाठी चली है, चाहे वो BJP की हो, चाहे वो RJD की हो, तमाम पार्टियों की सरकार, अभी राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी पिछले 17 वर्षों से मुख्यमंत्री है, तो छात्रों की गुहार जो है ना मुख्यमंत्री जी से, अब कौन क्या बयान देता है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कि किस दिशा में मामला जाएगा? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जांच जो है ना, आप BPSC का मामला देखिएगा ना, तो आर्थिक अपराध इकाई की, चाहे रंजीत रजक जो DSP है, उसको मुख सरगना वो नहीं है, मुख सरगना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए, और 20 लोग की गिरफ्तारी के बावजूद अभी तक जांच अधर में है। मुझे लगता है कि लिपा पोती का खेल चल रहा है, तो ये BSSC भी मुझे ही लगता है ये है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच किस दिशा में जाएगी अभी तक पता नहीं, अभी तो जांच चल ही रही है। गिरोह का तो भंडाफोड़ हो गया है ना इसका? गिरोह का भंडाफोड़ नहीं हुआ है, वो पेपर लीक कौन किया, क्या किया, अभी गिरोह कौन है, किसके लिए वो कर रहा था काम, तो इस सिंडिकेट रैकेट जो चल रहा है ना पटना बिहार में, इसका गिरोह का पर्दाफाश होना जरूरी है, ना कि 2-4 अजय विजय को आप पकड़ के सामने ले आए, और उसके बाद मेन सरगना भी बाकी ही है, तो मेन सरगना को आप पकड़िए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होना। क्या BPSC वाला ही एंगल होगा क्या? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जांच जो भी चल रही है ना, हम तो माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करेंगे कि खुली छूट दीजिए, अपराधियों के गर्दन तक अगर पकड़ है तो उसको पकड़ के बाहर निकालिए, तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से जांच चलेगी, छूट देंगे। अब ये मुख्यमंत्री जी का, हम लोग तो इंतजार में है कि मुख्यमंत्री जी कुछ खास निर्णय लेंगे। छात्र उम्मीद क्या है? उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि छात्रों के साथ न्याय करेंगे, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी छात्रों को न्याय करेंगे, निश्चित रूप से न्याय करेंगे, हाँ न्याय करेंगे। लेकिन ये 9 लाख अभ्यर्थियों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसका न्याय कौन देगा? 9 लाख, बिल्कुल सही बात है, 9 लाख अभ्यर्थी हैं, और करोड़ों ऐसे युवा हैं बिहार के, उनके माँ बाप, आप सबको ऐड कीजिएगा, काउंट कीजिएगा, तो करोड़ों लोग हैं, तो उनका जीवन तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। ये 9 लाख अभ्यर्थियों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसका न्याय कौन देगा?
9 लाख बिल्कुल सही बात है, 9 लाख अभ्यर्थी हैं और करोड़ों ऐसे युवा हैं बिहार के, उनके माँ बाप आप सबको ऐड कीजिएगा, काउंट कीजिएगा, तो करोड़ों लोग हैं, तो उनके उनका जीवन तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। आप लगातार परीक्षा लीजिएगा, प्रश्न पत्र, कोई ऐसा परीक्षा बिहार में बाकी है? मुआवजा देंगे। तेजस्वी जी तो उस समय में चुनावी भाषण दे रहे थे ना, उस समय में तो चुनावी भाषण होता है वोट बैंक के लिए कि वोट लीजिए, अपना राजनीतिक नोटिस फेंकिए, सद्दी पर आइए और फिर अपने बातों को बोलिए। एक शब्द तक नहीं बोले वो बीपीएससी पर, बीपीएससी का बिहार लीग से भाई नाम दिए थे ना और 5,000 का मुआवजा की मांग, अभी क्या एक शब्द तक नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, बीएससी में सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोले बीएससी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम में? निश्चित रूप से हम तो लगातार बीएससी स्टूडेंट के साथ ही हैं और लगातार तेजस्वी यादव जो कह थे कि छात्रों को जो लाठी चार्ज की बात हो या फिर जो भी बात हो, पेपर लीक की मामला हो, मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब उनका मुआवजा कहाँ गया? नहीं, वो तो विपक्ष में लोग रहता है ना, तो उसका बयान भाषा दूसरा होता है, सत्ता में आते ही बात को बदल देते है ना। तेजस्वी यादव एक शब्द तक नहीं बोले हैं। हाँ, भले ही तेज प्रताप अभी बोल रहे थे कि हम तेजस्वी यादव से या माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से एक शब्द भी नहीं आया है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव कोई उम्मीद नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा है, उनके प्रति छात्रों का है कि वो न्याय करेंगे, निश्चित रूप से न्याय करेंगे। चलिए देखिए, जो भी बातें हुई है इससे स्पष्ट पता चलता है कि नीतीश कुमार के हाथ में है कि स्टूडेंट को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब उन्हीं के हाथ में है, चूंकि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था है, गृह मंत्रालय है, उनके जो पुलिसिया तंत्र है उन्हीं के पास में है, आर्थिक अपराध जो काम कर रही है वो भी उन्हीं के पास में है, ऐसे में नीतीश कुमार क्या न्याय दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और लगातार ये स्टूडेंट्स, कई करोड़ स्टूडेंट्स जो है इस पे घोर विरोध करते हैं और बिहार में शर्मसार हो चुका है कि आखिर ये पेपर लीक होना लगातार ये क्या चल रहा है। और भी कई स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जुड़ेंगे जो लोग बोलेंगे, क्या ये बीएसएससी एग्जाम का अभी तक आप लोगों को क्या न्याय लग रहा है? देखिए, न्याय तो कुछ नहीं लग रहा है, जब ये चीज ट्विटर पे पता चल गया है, आयोग को भी पता चल गया है, पूरे मीडिया वाले को पता चल गया है कि तीनों पाली का लीक हुआ है, उसके बावजूद भी कैंसिल ना कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए गए हैं, बर्ताव ऐसा प्रशासन के द्वारा किया गया जैसे लगे कि हम लोग आतंकवाद हैं, उस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। अब बताइए कि हम लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग को सरकार के पास रख भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि पहली बार लाठीचार्ज नहीं हुआ है। ये ठंड में किस तरह से प्रशासन जो है जितने भी स्टूडेंट सब डर गए, कैसे डर सकते हैं? अब हम लोग के जो पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप लाठी चार्ज किए तो फिर से आंदोलन होगा, कितना बार आप लाठी चार्ज कीजिएगा? क्या अपने हक के लिए ना लड़ेंगे? पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर से आएंगे। अब क्या कुछ आप लोगों का आगे का कदम होगा? आगे का कदम यही है कि अब सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि या तो आप परीक्षा को कैंसिल करके शांतिपूर्व और पारदर्शिता के साथ परीक्षा ले लीजिए, नहीं तो फिर आप लाठिए मारिएगा तो लाठी फिर से खाया जाएगा। लेकिन जब तक के ये नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं, बीएसएससी के स्टूडेंट हैं, वो अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि लाठियां कितनी भी बरसेगी लेकिन लाठियों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है इनका जो मुहिम छिड़ता है तो तब खत्म होता है जब तक ये अंजाम उसका नहीं हो पाता है। और ऐसे ही बात आती है कि लगातार यदि इस तरह से सिलसिला और भी एग्जाम में होता रहेगा तो फिर स्टूडेंट तैयारी वारी नहीं करेंगे, फिर वो अपराध की दुनिया में आएंगे और ऐसे ही फिर बिहार में पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, नौकरी के बदले में कुछ और शुरू हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री हैं तो इनको जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के इस मामले को क्लियर कर दें, ताकि इन तमाम करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य अभी भी संवर सकता है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।